खबर दे आपको, मुल्तान रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम बक हो गया। आपको इस हादसे के हवाले से बता रहे हैं, मुल्तान रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम बक हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे सरफराज खान से। सरफराज खान बताइएगा, कैसे हादसा पेश आया? जी सिदरा, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है मुल्तान रोड, जहाँ पे तेज रफ्तार कार की जानिब से टक्कर मारी गई मोटरसाइकिल सवार को। मोटरसाइकिल सवार जो है वो मौके पर दम तोड़ गया है, जबकि कार सवार जो है वो मौके से फरार हो चुका है। पुलिस की जानिब से नौजवान की लाश जो है वो मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की छुट्टी के रोज मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 रेस्टोरेंट्स को सील और 1 को जुर्माना कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इमरान मलिक से। जी इमरान बताइएगा, 3 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स के नाम शामिल हैं? जैना जो तो ये बिल्कुल डिजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइप मोहम्मद उस्मान का कहना है कि ये इस वक्त तमाम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इनको चेकिंग की जा रही है और सर्विस एरियाज का मुआयना किया जा रहा है। 3 रेस्टोरेंट जो है वो सील किए गए हैं, जबकि अभी तक 1 जुर्माना किया गया है। और इस हवाले से उनका यह कहना है कि फ्राइड चिक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट नाकिस गोश्त हशरात की मौजूदगी पर सील किया गया है, जबकि मरूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गोश्त को स्टोर करने का नाकिस इंतजाम किया गया था। कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का ये भी कहना है कि जायदुल मियाद कुकिंग ऑयल की मौजूदगी पर सील किया गया है। सर्विस एरिया पर जो होटल बनाए गए हैं इनमें नोटिस पर अमल ना करने पर इनको तमाम रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। और मोटरवे पर रेस्टोरेंट बनाने का मकसद ये है कि शहरियों को तकलीफ ना हो, जबकि ये तमाम जितने भी छापे मारे जा रहे हैं ये वजीर अला पंजाब उस्मान गुलजार की हदायत पर मारे जा रहे हैं। और तमाम जितने भी मोटरवे रेस्टोरेंट हैं इनकी सर्विस एरिया को चेकिंग किया जा रहा है। वजीर अला पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम मोटरवे सर्विस एरिया की हफ्तावार चेकिंग की जा रही है। तमाम हाईवे मुसाफिर स्टेशन, जीटी रोड और सियासी मकाम की हफ्तावार चेकिंग की जाती है, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी का यह भी कहना है कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरीन खाने के लिए मजबूत प्लानिंग कर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।